बिहार में मुस्लिम समाज के अकीदतमंदों ने ईद उल फितर का त्यौहार मनाया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने सभी गाइडलाइन का पालन किया है। लगातार दूसरे साल में महामारी की वजह से अकीदतमंदों ने घर में ही रहकर ईद की नमाज अता की। वहीं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद की बधाई भी फोन और मैसेज के जरिए दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार के मुस्लिम भाइयों को ईद के त्यौहार की बधाई दी। नीतीश कुमार ने सभी बिहारवासियों और देशवासियों, खासकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खुदा सभी लोगों पर अपनी रहमतों की बारिश करे और सबों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। नीतीश बाबू ने कोरोना संक्रमण के कारण सभी लोगों से घर के अंदर रहकर ही इबादत करने की अपील की है। वहीं मुस्लिम भाइयों ने भी सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है। पटना में भी मुस्लिम भाइयों ने घर के अंदर रहकर ही ईद की नमाज अता की है। वहीं जाने माने स्कॉलर प्रोफेसर सरवर इस्लाम ने कहा कि ईद की नमाज ईदगाह में ही होनी चाहिए थी, लेकिन महामारी के समय हमारे रसूल ने भी अपने घरों में ही रहकर इबादत करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश और जिंदगी की हिफाजत के लिए भी लोग घरों में ही ईद की नमाज अता कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो नमाज पढ़ाई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस बार और दूसरे साल में फर्क नुमाया है। वो फर्क ये है कि इस बार जो दूसरी लहर लोग कह रहे हैं, है ना, हुकूमत की तरफ से ये बात आ रही है कि इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात और इसकी ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से जो ये आज ईद के मौके पर लोगों ने हुकूमत हिंद का की जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखा गया है और खुद बता दो, खुद हर शख्स, हर फर्द अपने घर में, है ना, इसका एहतियात किया है कि ना बगैर मास्क के बाहर कहीं निकला जाए, है ना, और ना नमाज पढ़ने जाना है ईद में, मैंने घर ही में, तो अपने ही घरों में सब लोग जो है दूरी बना बना करके नमाज पढ़े हैं। इसलिए इस बार जो है बहुत ही लोगों ने एहतियात किया है और हुकूमत के कानून को जो है बहुत इसके उसका ये किया है, एहतराम किया है, क्योंकि भाई मुल्क ये कानून है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत ज़रूरी है। हर इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी बचाने का इसके जो है अल्लाह ताला ने ये किया है ना, ज़िंदगी ज़ाया करने की चीज़ नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को जो है इस तरह के इंसान सोशल डिस्टेंसिंग को जो है लिहाज रखते हुए ईद की नमाज जैसे परसाल पढ़ाई गई थी, इस बार भी इसी तरह से पढ़ाई गई है। और इंशाल्लाह बहुत लोग जो हैं इससे खुश हैं कि भाई चलो कम अज़ कम नमाज भी हुई घर में, है ना, और एहतियात भी किया गया। कोरोना की महामारी ने देश और दुनिया में लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं। हर धर्म के मानने वालों को गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने तीज त्यौहार मनाने चाहिए। मुस्लिम भाइयों ने भी ईद का त्यौहार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया है, इसलिए इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।